हाय गाइस, होप लोग सारे अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली स्मिटन हॉल, स्मिटन से मेरा ये थर्ड या फोर्थ पार्सल। इससे पहले मैंने दो या तीन पार्सल पहले भी मंगवाए हुए हैं आप लोगों के साथ, वीडियो भी मैंने शेयर की हुई है। काफी अच्छे, पहले क्या था, पहले बहुत लिमिटेड ब्रांड थे इनके पास, लेकिन काफी सारे ब्रांड्स और बहुत अच्छे ब्रांड्स आ गए। इवन इनका ऑफलाइन स्टोर भी है नोएडा एक्सटेंशन गॉड सिटी मॉल में, तो अगर आप आसपास कहीं रहते हैं आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। एंड पहले 199 रुपीज में ही मिलते थे आपको, बट अब 199 रुपीज के 6 पॉइंट्स मिलेंगे, प्लस साथ में वो एक्स्ट्रा चार्जेस भी कुछ पे करना पड़ता है। बट ऑनलाइन पेमेंट अगर आप कर लोगे तो आपको और भी डिस्काउंट मिल जाता है। बट इस बार मुझे क्या अच्छा मिला आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग हमेशा जैसे इनकी होती है वैसी ही है, बट अच्छी है, कोई भी सामान डैमेज नहीं होता है। एंड ये गाइस, ये सबसे अच्छी बात है, इसमें सैंपल आपको मिल जाते हैं, तो आप किसी भी जो इनके पास ब्रांड्स हैं उनका सैंपल आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, और आपको अच्छा लगता है तो आप फिर उनका बड़ा साइज मंगवा सकते हैं। तो सबसे पहले इस बुक मतलब ऑर्डर पर मुझे मिला है ये कूपन, जिसको मैं इनके ऑफलाइन स्टोर पे यूज़ कर सकती हूँ। मुझे 799 की शॉपिंग कर ली एंड 235 रुपीज़ का डिस्काउंट है, तो काफ़ी अच्छा है यार। एंड इसके साथ में मुझे फ्री मिला है कि ये विटामिन 12 इसके अंदर टैबलेट हैं एंड 7 मिनरल्स हैं। 12 नहीं, आई थिंक मैं कुछ रॉन्ग बोल रही हूँ, नहीं अच्छा हाँ ये 5 है। ये है हेल्थ ओके का है, मैन काइंड का, 12 विटामिन्स प्लस 7 मिनरल्स इसके अंदर है इनके अंदर। और ये हेल्थ मेंटेन एनर्जी करता है, ओवरऑल हेल्थ के लिए, हेल्थ बिल्ड इम्यूनिटी के लिए है। और इसमें 5 टेबलेट्स है देखो, बट ये जो है ये सिर्फ मैन के लिए है, तो मेरे काम तो आएगी नहीं, पंकज से पूछ लूंगी अगर वो, तो मेरे काम तो ये नहीं आने वाली है। और हाँ ये सिर्फ मेन के लिए है कैसे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मेरे काम की तो नहीं है। चलो ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने ऑर्डर क्या किया, क्योंकि 6 पॉइंट्स मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। तो सबसे पहले मैंने जो ऑर्डर किया था ये है इनका स्विस ब्यूटी का हाई परफॉर्मेंस फाउंडेशन। इसका मैंने पहले रिव्यू किया हुआ है, मैं जब इनके ऑफलाइन स्टोर से लेकर आई थी ये रहा, ये मैं इसको ख़त्म कर चुकी हूँ गाइस। सीरियसली मेरे पास काफ़ी सारे फाउंडेशन, काफ़ी महंगे भी है, बट मुझे इससे अच्छा मतलब मुझे ना बिल्कुल नेचुरल चाहिए होता है, मुझे बहुत ज़्यादा हैवी पसंद नहीं है। और अभी भी मैंने यही वाला यूज़ किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। बट मैं थोड़ा सा डरती हूँ इसका बड़ा साइज, क्योंकि मैंने अक्सर नोटिस किया कि जो सैंपल में होता है ना और जो बड़े साइज में वो काफ़ी फ़र्क आ जाता है दोनों में, तो मैं इसलिए फिर से मैंने यही वाला मंगवाया हुआ है। और इसका बड़ा जो साइज है मैं कभी इनके स्टोर पे जाके ट्राई करूँगी, क्योंकि मुझे सेम लगा तो मैं लूँगी, नहीं तो मैं हमेशा इसको मंगवाती हूँ। बट ये मेरा फेवरेट में है और बहुत रीजनेबल है। एंड इसमें मेरा शेड है 04 नेचुरल न्यूड, तो वो मैंने मंगवाया हुआ है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, बट सीरियसली बहुत ज़्यादा चाहिए, आपको मस्ट ट्राई है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट मैंने मंगवाया था इनसे, ये है गाइस एयर ब्रश फिनिश फाउंडेशन। ये भी स्विस ब्यूटी का, स्विस ब्यूटी के मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगते हैं प्रोडक्ट। एंड मैं हाँ इसको ना आपको फिर भी ट्राई करके दिखा देती हूँ, वैसे मैंने दिखाया ना आपको कि मेरे फेस पे ऑलरेडी यही लगाया हुआ है, बट सबसे अच्छी बात है बहुत ही नेचुरल लगता है। मतलब देखो आपको देखने से लगेगा कि कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप इसको अपने फेस पे लगाओगे ना, अप्लाई करोगे, तो बहुत ही प्यारी से फिनिशिंग होता है। मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को मतलब हाई कवरेज इसमें लिखा हुआ है, तो उसी हिसाब से काफ़ी अच्छी कवरेज दे देता है। मतलब आई थिंक इसका जो बड़ा वाला है ना शायद उसमें बहुत फुल कवरेज देता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं, बट ये बहुत ही प्यारा सा देता है, आप मेरे फेस पे देख सकते हो, बहुत ही प्यारी फिनिशिंग से देता है। और सबसे अच्छा तो बहुत नेचुरल है। एंड गाइस ये वाला जो फाउंडेशन है इसका मैंने फुल रिव्यू किया हुआ है, तो आप चेकआउट करें, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड ये ऑल स्किन टाइप है। इसके बाद नेक्स्ट है एयर ब्रश फिनिश फाउंडेशन, ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ। ये भी स्विस ब्यूटी का है एंड ये फुल कवरेज है, नेचुरल मैट है और ये ऑल टाइप स्किन है। सबसे अच्छी बात है कि मतलब इसमें 7 ml की क्वांटिटी मिलती है एंड इसमें भी 7 g की क्वांटिटी मिलती है। इसको मैंने काफ़ी मतलब स्विस ब्यूटी का मुझे सच में मैंने जैसे आपको बताया बहुत ही पसंद है मुझे। ये इनकी पैकेजिंग दोनों की सेम है, बट इसमें मुझे शेड मिला ना एक्चुअली उस सेम शेड नहीं मिल पाया, तो मैंने इसे मंगवाया हुआ है 03 न्यूड बॉम। आई थिंक मेरी स्किन को मैच कर जाएगा, थोड़ा बहुत ही फर्क होगा शायद। और एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, हाँ फुल कवरेज है यार। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो फेस पे आप अप्लाई करते हो और हाथ पे बहुत ज़्यादा फर्क होता है, बहुत ही। हम भले से हाथ पे अप्लाई करके देखते हैं, लेकिन हमारे फेस और हाथ की स्किन का कलर सेम नहीं होता है गाइस, बिल्कुल भी सेम नहीं होता है।
किसी किसी का क्या होता है फेस का डल होता है बट पूरी बॉडी का बहुत फेयर होता है, किसी किसी का होता है कि बॉडी का डल होता है बट फेस का बहुत फेयर होता है। तो हमेशा जब भी आप फाउंडेशन परचेज कर रहे हो ना, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आप हमेशा अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। जिस दिन आप फाउंडेशन लेने जा रहे हैं ना ऑफलाइन, आप कोशिश करना कि आप कोई भी मेकअप ना करके जाए, तभी आपको अच्छे से आप अपना शेड ले सकते हैं। एंड फुल कवरेज है मैट फिनिश। ऑयली स्किन वालों को तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही, क्योंकि ऑयली स्किन जैसे मेरी ना ऑयली स्किन है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है एकदम से ना, क्या होता है कि ऑयल बहुत ज़्यादा आ जाता है तो बहुत टफ होता है। तो ऑयली स्किन वाले ना हमेशा मैट प्रोडक्ट लेने की कोशिश करो, क्योंकि उससे ये होता है कि ऑयल काफ़ी हद तक नहीं आता है। जैसे आपको अगर प्राइमर वगैरह यूज़ करना है तो उसका ही करना चाहिए मैट वाला। इसके बाद नेक्स्ट जो मैंने मंगवाई ये है स्विस ब्यूटी का मैटिफाई है मैक अप प्राइमर, और आई थिंक ओके हाँ ये थर्ड मैंने ये मंगवाया हुआ है। ये ब्लर पोर करता है, स्मूथनेस बेस है, विटामिन ई विटामिन ए प्लस जोजोवा, और ये भी 7 ग्राम की क्वांटिटी है। एंड इसको भी मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ इस वाले को, बट मैंने इसके बारे में बहुत सुना था, मैंने कहा चलो पहले छोटा वाला इसका सैम्पल ट्राई करके देखती हूँ, बट ये अच्छा ही होगा क्योंकि स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, रीजनेबल भी होते हैं, काफ़ी अच्छे भी होते हैं। बट इसको ये यहाँ नहीं है, अच्छा यहाँ दिखा रहे हैं, देखने से पता चल रहा है कि काफ़ी ब्लर कर दिया। ये देखो हाँ यार अब ये देखो आपको ना फर्क अपने आप दिख जाएगा इसमें इसमें। अगर ऑयल स्किन वाले मैट वाला यूज़ करते हैं ना ये, तो उसमें प्राइमर की सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका मेकअप बहुत अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग स्टे करता है, बहुत ही अच्छे से मतलब मेकअप निकल कर आता है, मतलब बोल सकती हूँ बहुत ही प्यारा मेकअप होता है, बेस बहुत अच्छा बन जाता है। एंड ये लेकिन ये मैट वाला नहीं है, बस ये है हाँ मैट वाला, तो आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद जो मुझे इसके साथ 3 सैंपल फ्री मिले, ओ माय गॉड, इसके मुझे मैंने आपको 2 स्टार्टिंग में दिया है ना कूपन कोड, और वो उसके अलावा भी मुझे मिले। ये है सेटाफिल का, ये है क्लिंजर, जेंटल स्किन क्लिंजर, ये मैंने ऐसे मंगवाया हुआ है बड़ा साइज, मैं यूज़ कर रही हूँ, अच्छा है। इसके शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो उसको बोलेगा कि नहीं उनको स्किन पे सूट नहीं किया, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ड्राई टू नॉर्मल स्किन सेंसिटिव स्किन है। एंड गाइज ये 25 ml का है, ये मुझे इसके साथ फ्री मिला है, ये आपको ट्राई करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये भी इसके साथ मुझे मिला है, ब्लश इट अप है ये है पता नहीं ब्रांड का नाम क्लियर नहीं आ रहा है, शिया शीट्स करके लिप एंड चिक टिंट, बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत मेरे पास स्विस ब्यूटी का भी वो भी काफ़ी अच्छा। एंड इसमें जो है ये शेड है मेरे पास पिंक लेमन करके है ये, हाँ इसमें पीछे शेड भी नहीं लिखा हुआ है, बट ये आप देख सकते हो, मैं आपको ना ऐसे हाथ पे दिखा देता हूँ, और ये काफी अच्छे से ना देखो बहुत अच्छे से, पता ही नहीं चला इसका शायद मैं ही गलत यूज कर रही हूँ, थोड़ा सा हम डार्क मतलब थोड़ा सा और ज्यादा लेंगे और अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे। तो थोड़ा सा ज्यादा मैंने लिया और इसको अच्छे से हम ब्लेंड करके देखेंगे, नहीं अच्छे से हो रहा है यार, बहुत ही अच्छे से हो रहा है, इसी के ऊपर ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना जैसा फेस पे और उसका वो तो बहुत फर्क होता है, बट ये काफी अच्छे से लग रहा है, और बहुत भले से बहुत डार्क दिख रहा है ये, बट बहुत नेचुरल है, बहुत ज्यादा नेचुरल है, एंड लिप पे भी काफी अच्छे से जाएगा। जैसे अभी जो मैंने लगाया हुआ ना स्विस ब्यूटी का लगाया हुआ, बट ये ट्राई कर देखो हल्का हल्का पता चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफी डार्क कलर लगाया हुआ है। तो ये वाला जब आप मंगवाएंगे, अगर आपको बहुत सारे ऑप्शन है तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी फ्री का जो इनके साथ है फ्री भी उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, हाँ ये मैंने परचेज किया था पॉइंट्स में ही था, ये है एनोर करके एक चौको कैरेमल हाँ लिप स्क्रब है ये, और ये कुछ ऐसा है देखो, क्योंकि लिप स्क्रब की भी ना बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, बट ठीक है मुझे अगर 199 में इतना कुछ मिल रहा तो। इसके बाद जो नेक्स्ट मैंने फ्रीबी में सेलेक्ट किया था ये स्विस ब्यूटी का नेचुरल मेकअप फिक्सर, लॉन्ग लास्टिक है, विटामिन ई है एंड एलोवेरा, और 10 ml की क्वांटिटी है ये।
इसके लिए मैंने सुना था तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो खोलना सबसे बड़ा, इन ये पैकेजिंग होती तो अच्छी है, इससे खराब नहीं होता प्रोडक्ट, पर इनको ओपन करना बहुत टफ हो जाता है यार। तो जैसे मैंने आपको बताया आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं वहाँ पे, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं आपको जो भी लेना है। और मैंने सच में अभी ना फिक्सर नहीं लगाया फेस पे, मैं बोल भी गई कि मैंने ये लिया, वो कितना छोटू सा है, बड़ी अच्छा है। मतलब आपको अगर कहीं ट्रैवल वगैरह करना है ना तो उसके लिए अच्छी होती है चीज़ें। इसकी खुशबू अच्छी है बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो इसका स्प्रे है ना बहुत तेज लग रहा है। मतलब जैसे एक होता बहुत लाइट बहुत प्यारा सा, ये बहुत ज़्यादा मतलब इसका स्प्रे ना एकदम पानी खट्टा सा आ रहा है बहुत, शायद हाँ अब ठीक है, शायद पहले थोड़ा मैंने गलत कर दिया था बट अब ठीक है। मतलब स्प्रे भी ठीक है इसका और क्वांटिटी ठीक है यार, इतने में और क्या देंगे। बट इसकी पैकेजिंग, ओ माय गॉड, मैं क्या करूँगी इसको फिनिश जब हो जाएगा इसमें भर लूँगी और दूसरा उसको यूज़ कर लूँगी। उसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि जैसे सच में आपको कहीं ट्रैवल वगैरह करना है या कहीं भी एक दो दिन के लिए बाहर वगैरह जाना है ना, तो आप बड़े बड़े प्रोडक्ट नहीं लेके जाएंगे, तो ये छोटे छोटे ना अच्छे होते हैं। एंड गाइज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दे दिए तो आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको ये पसंद है। अगर आप नोएडा एक्सटेंशन रहते हैं तो आप नोएडा में इनके स्टोर में विजिट कर सकते हैं। एंड अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।